आज का हमारा चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहला हमें ये देखना है कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कि जहां पर कोई भी चीज इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर कोई तो नया चीज क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसा इंड्यूस किया जाता है, वो हमें देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेकिन सवाल यह है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों बोलते हैं। तो कोई भी करंट जब इंड्यूस होता है, ठीक है, तो करंट इंड्यूस होने के पीछे का जो मेन मैकेनिज्म होता है वो होता है चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि फैराडे ने ये ऑब्जर्व चीज किया क्या कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, लेट्स से ये है हमारा नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा तो मैग्नेटिक लाइन्स कैसा फ्लो होता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है या साउथ टू नॉर्थ जाता है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर क्या होने वाला आपका मैग्नेटिक लाइन्स कैसे जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फिक्स्ड है, उसका जो फ्लो है वो ऐसा फिक्स्ड है करंटली। नाउ यहाँ पर क्या हो गया, मैंने बाहर से कोई तो कॉइल लेके आ गया, ठीक है, अभी ये जो कॉइल रहेगा बाहर से लाया हुआ, ये कॉइल बना हुआ है पूरा का पूरा मेटल का या फिर वायर है, लेट्स से कोई भी, तो कोई भी मेटल है, लेट्स से ये मेरा मेटल का एक कॉइल है, ये मेटल का कॉइल मैंने यहाँ पर लेके आ गया और यहाँ पर लेके आने के बाद मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी जब भी मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये घूमने की वजह से क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक लाइन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, नहीं समझा क्या, करंटली यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे जा रहे हैं, फर्क इतना होता है कि मैग्नेटिक लाइन्स हमें खुले आंखों से दिखते हैं क्या, नहीं, लेकिन वो होते हैं वहां पर। तो वैसा यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने क्या किया बाहर से एक मेटल का कॉइल लिया और ये कॉइल को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, तो ये घूमने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन डिस्टर्ब हो रहे कि नहीं हो रहे, तो ये मैग्नेटिक लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, ये कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस करने का बेसिक फंडा क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन रहेगा उसको क्या करना है, छेड़ना है, मतलब क्या करना है उसको डिस्टर्ब करना है, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने वाला है, क्लियर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इंड्यूस करंट, करंट इंड्यूस होने वाला है। तो बेसिक फंडा क्लियर है करंट कैसे इंड्यूस होता है, तो पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट याद रखो कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या फिर डिस्टर्ब होगा, एट दैट टाइम क्या होने वाला है आपका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाला है। ठीक है, इसका और एक तरीका इंड्यूस करने का, क्या मैंने क्या किया, ये जो मैग्नेट है यहां पर मैंने परमानेंट मैग्नेट नहीं लिया, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल मैग्नेट लिया, वेरिएबल मैग्नेट मतलब क्या है, इसको जिसको मैं बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जिसका मैग्नेटिक फील्ड मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, तो वैसा वाला मैंने कोई तो मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो यहां पर अज्यूम करो कि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, अभी फिलहाल कोई तो मैग्नेट प्रेजेंट है यहां पर लेट्स से, और ये मैग्नेट के अंदर एक नॉब दिया हुआ है मुझे जो घुमा के मैं क्या कर सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, अभी यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, एक यहां पर मैंने प्लेस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक यहां पर प्लेस किया है मैंने मेटेलिक ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, लेकिन ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट मैं अभी घुमा रहा हूं क्या, इसका पोजिशन फिक्स है, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करूंगा, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैंने क्या किया नॉब घुमा के कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर कम किया, फिर बढ़ा दिया, लेकिन ये जब भी कम ज्यादा हो रहा है, ये कम ज्यादा होने के इसमें ये मेटल बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट इसमें इंड्यूस होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉइल ही घूमना चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और उसके बीच में आपका मेटल अगर वहां पर ऑब्स्टेकल की तरह आ रहा है तो भी क्या होगा करंट इंड्यूस। तो बेसिक मैकेनिज्म यही बोलता है कि आपका मैग्नेटिक लाइन डिस्टर्ब होना चाहिए, वही मेन मैकेनिज्म, वो फिर मेटल घूमने से हो या मैग्नेटिक लाइन फील्ड चेंज होने से हो, कैसा भी हो, लेकिन मैग्नेटिक लाइन डिस्टर्ब होना मस्ट है। तो जहां जहां पर मैग्नेटिक लाइन डिस्टर्ब होने वाला है वहां वहां पर क्या होने वाला है आपका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाला है। तो ये बेसिक फंडा क्लियर है, तो पूरे चैप्टर में बस यही देखना इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कैसे होगा, क्या क्या तरीके वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये बेसिक है, बोल ये पहले भी हो चुका है हमारा, ठीक है, टेंथ के अंदर भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ। ठीक है, तो वो बेसिक लॉ यही है, अभी देख स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि फैराडेस के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलते हैं। ठीक है, सो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो पार्ट्स है जिसको हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, अभी फैराडे ने चीज क्या ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है वहां वहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब क्या इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ ना, हमने क्या देखा था कि जहां पर करंट है वहां पर
वोल्टेज, ठीक है, न्यूली मैरिड की तरह कि जहां पर जाएंगे साथ में ही जाएंगे, तो जहां पर करंट है वहां पर वोल्टेज रहेगा ही रहेगा। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? नथिंग बट ईएमएफ। तो इसका मतलब मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ ना कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, ठीक है, तो पहले देखेंगे फैराडे लॉ, तो उसके अंदर सबसे पहला है फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। इसका मतलब क्या भाई कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट में, एट दैट टाइम क्या होगा, वो सर्किट के अंदर आपको करंट इंड्यूस हुआ हुआ दिखेगा। ये पहला लॉ, वही जो अभी देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। मेन सवाल याद है कि ये जो करंट इंड्यूस होने वाला है ये होगा कैसे, ठीक है, या फिर वो जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो ईएमएफ का वैल्यू कितना रहेगा, वो सब देखना है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद हमारा सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स, तो उसके वजह से क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा याद रख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब किसी भी सर्किट के अंदर आपका फ्लक्स चेंज होगा तभी क्या होगा, वो सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस होगा। मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट लॉ इतना ही है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में नोट्स भेज दूंगा आपको। दूसरा सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ के अंदर हमें देखना है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मुलेट करने के लिए उसने क्या कंसीडर किया वहां पर, तो सबसे पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, ठीक है। इसका मतलब क्या कि उसने क्या बोला कि यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चेंज इन द फ्लक्स के साथ। तो सेकंड लॉ इन शॉर्ट क्या है कि ईएमएफ is directly proportional to change in magnetic flux, कि magnetic flux जितना change होगा उतना EMF ज़्यादा produce होगा। directly proportional का मतलब क्या होता है कि जब ये quantity बढ़ेगा तो automatically ये भी quantity बढ़ने वाला। इसका मतलब क्या कि flux के अंदर जितना changes आएगा उतना क्या होगा आपका EMF भी ज़्यादा produce होगा। changes मतलब क्या, disturbance, वही बात है कि जितना मेरा flux disturb होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर इसको मैं फॉर्मुलेट करने जाऊंगा, ठीक है, तो मैं ईएमएफ को डिनोट करता हूं यहां पर ई से, तो कैसा आएगा फिर कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ज्यादा चेंज हो रहा है कितना कम चेंज हो रहा है ये कैसा देख पाऊंगा मैं कि पर टाइम या फिर पर सेकंड में कितनी बार चेंज हो रहा है या फिर पर मिनट में कितना बार चेंज हो रहा है। चेंज कैसा भाई देखते हैं ना, अगर किसी भी कोई भी चीज कितना चेंज हो रहा है ये देखना तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम से रिलेट करना पड़ता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पर मिनट में पर सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं डी फाई बाय डी टी कि चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम में फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। डी क्यों डाला है, डी क्या शो करता है, चेंज शो करता है, करेक्ट है। तो आपका सेकंड लॉ इन शॉर्ट इतना ही है ना। अब मुझे अगर इसको फॉर्मुलेट करना रहेगा तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहला अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं उसके जगह पर is equal to और उसके साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो d phi by dt। ये क्या मिल गया मुझे अभी EMF का फॉर्मूला कि जो EMF प्रोड्यूस होने वाला है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो मिला अभी यहां पर। Now if e phi and t are measured in the same unit then the k is equal to 1, कि अगर मैंने क्या कर दिया EMF phi t सबको सेम यूनिट्स में ले लिया और मैंने अज्यूम कर लिया कि when k is equal to 1, अगर k 1 हो गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा e is equal to d phi by q, k 1 and 2 लिखा क्या नहीं लिखा क्या एक ही बात है। तो ये क्या मिल गया हमें emf का फॉर्मूला। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, सो कंबाइनिंग द कंबाइनिंग अबाउट विद द फर्स्ट लॉ, लेकिन आपका फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होता है फिर चेंज होता है। अभी कोई भी चीज डिस्टर्ब कभी होता है, जब उसको अपोज किया जाता है और अपोज क्या जाता है मतलब क्या हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता है। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है वो फ्लक्स के उल्टे डायरेक्शन में रहेगा। मतलब है क्या कि आपका जो फ्लक्स है तो फ्लक्स लेट से ये डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो आपका करंट ईएमएफ क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वेक्टर में क्या करते हैं हम लोग माइनस साइन पुट करते हैं, तो दैट्स व्हाई यहां पर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या मिला माइनस डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन,
कि आपका ईएमएफ और फ्लक्स चेंज वो दोनों क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया सिंगल कॉइल के लिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने जो सर्किट यूज किया हुआ है, मैंने जो मेटल का कॉइल यूज किया है वो कुछ इस तरीके से सोलेनोइड जिसको बोलते हैं हम लोग। अभी यहां पर एक कॉइल है क्या, देखो ना, एक दो तीन चार पांच छह टर्न्स है, मतलब यहां पर क्या छह अलग अलग टर्न्स है ना, तो ऐसा एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होगा, तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा, ये कवर होगा माइनस एन इंटू डी फाइव बाय डीटी। जितने कॉइल ज्यादा, इससे क्या शो हो रहा है कि जितने ज्यादा टर्न्स वाला कॉइल लूंगा इतना ईएमएफ क्या मिलेगा, कि मुझे अगर ज्यादा बड़ा वोल्टेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा टर्न्स वाला स्प्रिंग यूज करूंगा या फिर ज्यादा टर्न्स वाला कॉइल यूज करूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, ईएमएफ भी ज्यादा मिलेगा, करेक्ट है। ये रहेगा आपका फॉर्मूला किसका, फ्लक्स का, ईएमएफ का। ना अभी यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, इसका यूनिट कैसा रहेगा, ठीक है, तो इसका जो यूनिट रहेगा ईएमएफ का, मैंने बताया था कि ईएमएफ और वोल्टेज, ठीक है, जुड़वा हुआ ये दोनों सेम है, ठीक है, तो यहां पर ईएमएफ का यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या, वोल्ट ही है ना, तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका भी यूनिट क्या रहने वाला है आपका, वोल्ट्स, ठीक है, या फिर उसको डिनोट कर सकते हैं, तो यूनिट्स क्या रहेगा, यूनिट्स क्या रहेगा ईएमएफ का, एक तो वोल्ट्स, या फिर यहां पर देखो यूनिट बन रहा है मेरा, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो क्या यूनिट बन रहा है आपका, वेबर पर सेकंड, तो ये दोनों यूनिट से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं, किसको, ईएमएफ इंड्यूस को, ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या, ईएमएफ इंड्यूस अकॉर्डिंग टू द फैराडेस लॉ, क्लियर है, पक्का ना। उसके बाद नेक्स्ट वन देखना है अभी लेंज लॉ, ठीक है, अभी लेंज लॉ क्या बोलता है, कि यहां पर मुझे ईएमएफ कैसा इंड्यूस हो रहा है ये फैराडे ने बताया, ठीक है, लेकिन ये जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होने वाला है ये ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या, दोनों क्या करें, एक दूसरे को अपोज कर रहे, ठीक है, तो लेंज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, क्या दिया है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अभी ये क्या होता है, थोड़ा देखो अभी ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ये, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि यहां पर करंट जो इंड्यूस हो रहा है ये करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज है उसको अपोज करेगा, मतलब कैसा होगा, लेट्स से लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है यहां पर, ठीक है, और ये सर्किट जो है ये सर्किट के सराउंडिंग में यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेट्स से मैं इसको ऐसे शो करता हूं, सराउंडिंग में क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से, और ये सर्किट कहां पर प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, या फिर ऐसा समझो कि उसके दोनों साइड में मैग्नेट्स रखा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है यहां पर, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, और मैंने क्या कर दिया, ये जो कॉइल है इसको घुमाना चालू कर दिया, जैसे ही कॉइल घूमेगा वैसे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके सराउंडिंग का वो डिस्टर्ब होगा, अगर वही फंडा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, करंट तैयार होगा ना, ये सर्किट है, ये सर्किट के अंदर क्या होने वाला है, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, तो हो गया यहां पर करंट इंड्यूस, लेट्स से करंट इंड्यूस होगा ये डायरेक्शन में ऐसा। अब ये करंट के वजह से प्रॉब्लम आने वाला है क्या, कि अभी यहां पर इतना देर तक क्या हो रहा था, आपका जो कॉइल है कॉइल ऐसा घूम रहा था, और ये कॉइल घूमने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर करंट इंड्यूस हो गया ना, लेकिन ये जो करंट इंड्यूस हो गया वायर के अंदर, हमने और एक टर्म बढ़ा हुआ है कि जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या फिर जहां जहां पर करंट रहेगा वहां पर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा ही रहेगा। टेंथ में भी था हमें कि जहां जहां पर आपका करंट प्रेजेंट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता ही है। तो ये जो वायर है, ये वायर के अंदर का जो करंट है, ये करंट के वजह से क्या होने वाला है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने वाला है, करेक्ट है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को लेट्स से भी कुछ इस तरीके से दिखाता हूं।
अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया वायर के अंदर, ये क्या करेगा, ये वाले फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब वो फ्लक्स को चेंज ही नहीं होने देगा, ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा, आपका जो करंट है वो बढ़ता नहीं जाता, वो स्टेबल रह जाता है। भले यहां पर जो करंट इंड्यूस हो रहा था, करंट इंड्यूस क्यों हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बराबर है, ये मैग्नेटिक फील्ड था करके करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन जैसा ही करंट इंड्यूस हो गया वो क्या करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगा, मतलब जिसके वजह से वो क्रिएट हुआ था आज वो उसको अपोज कर रहा है, करेक्ट है, इंसानों के जैसा ही है ना, कि जब तक कॉलेज रहता है, ट्वेल्थ रहता है, तब तक क्या करते हैं, घर वालों को मस्का मारते हैं, फोन मिलता है, बाइक मिलता है, एक बार जॉब लग गया या फिर एक बार शादी हो गया तो उसके बाद क्या, फोन घर वालों ने फोन किया, करेक्ट है, मतलब क्या कि जिसने प्रोड्यूस किया उसको ही भूल गया, सेम सिनेरियो में वही बोलता है कि करंट को जिसने क्रिएट किया था, किसने क्रिएट किया था, ये चेंज इन फ्लक्स ने, लेकिन जैसे करंट तैयार हो गया, जैसे उसको करंट मिल गया, उसका काम खत्म हो गया, अभी क्या करेगा, वो फ्लक्स को अपोज करेगा, करेक्ट है, तो दैट्स व्हाई दोनों माइनस डायरेक्शन में, माइनस साइन से शो किया जाता है, तो लेंज लॉ क्लियर है, तो वही देखो, अभी आपको स्टेटमेंट समझेगा, देखो वही दिया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इंड्यूस्ड करंट है वो क्या करेगा, इज सच दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इंड्यूस्ड करंट, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया ये वाला, ये क्या करेगा, अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा कि जिसके वजह से वो क्रिएट हुआ, करेक्ट है, तो लेंज लॉ मतलब इतना याद रखो कि इंड्यूस करंट क्या है, खुददार है, क्या, क्यों, बिकॉज जिसने उसको क्रिएट किया था वो क्या कर रहा है, उसको ही भूल रहा है या फिर उसको ही अपोज कर रहा है, करेक्ट है, तो यही होता है आपका लेंज लॉ, क्लियर है, फिर लेंज लॉ क्या होता है, ये वाला टर्म याद रखो कि इंड्यूस करंट क्या है, खुददार, ठीक है, कि जिसने इंड्यूस किया उसको ही भूल गया, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, अब ये लेंज लॉ जो है इसका एप्लीकेशन, उसका यूज क्या क्या रहेगा वो देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन दिया गया है वहां पर क्या, मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, ठीक है, कि लेंज लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहला फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दिया गया है कि मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप, कि मैग्नेट जो रहेगा उसको अगर लूप की तरफ अगर हम लोग मूव करेंगे तो क्या होगा, तो मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप, ठीक, लूप की तरफ अगर हम लोग मैग्नेट को मूव करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर हमने अज्यूम किया हुआ है कि लेट से नीचे की तरफ है हमारा एक कॉइल, ये आपका वायर है, सिंपली कॉपर का कॉइल है सर्कुलर शेप, और ये जो कॉइल है, ये कॉइल के ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ है यहां पर मैग्नेट को, यहां पर हमने प्लेस किया हुआ है मैग्नेट, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कॉइल है, ठीक है, ये सॉरी ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को क्या कर रहा हूं, कॉइल के नजदीक लेके जा रहा हूं नीचे की तरफ, करेक्ट है, तो जब ये मैग्नेट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, अभी यहां पर क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसके सराउंडिंग में क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है लूप के, करेक्ट है, लेकिन हमें मालूम है कि जब भी किसी भी लूप के कॉन्टेक्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है तो क्या होता है, लूप के साथ वो लिंक हो जाता है, तो ये जो लूप है, ये लूप के भी अक्रॉस क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्यों, इसके वजह से, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लेट से हम लोग शो करते हैं कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, अभी जब ये नजदीक आ रहा है, नजदीक आने की वजह से क्या होगा, इसके सराउंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा ना, कॉमन सेंस से जितना मैग्नेट नजदीक आएगा उतना कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, बिकॉज मैग्नेट के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दूर रहेगा तो वीक होता है, तो यहाँ पर मैग्नेट का नजदीक आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब, तो उसके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगेन चेंज हो रहा है, वही फंडा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, अभी यहाँ पर कॉइल मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पर मूव कौन हो रहा है, मैग्नेट, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना जरूरी है, वो कॉइल घूमने से होने दो या फिर मैग्नेट के मूव होने से होते, फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर मैग्नेट मूव होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, लेकिन यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब क्या, करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा फ्लो होगा, कभी जब ये मैग्नेट
नीचा है, लेकिन अभी यहां पर जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये करंट क्यों इंड्यूस हो गया, बिकॉज ऑफ आपका मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है इसीलिए। लेकिन हमारा लेंस लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस करंट क्या करता है, जिसके वजह से वो क्रिएट हो रहा है उसको अपोज करता है। तो ये इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेट को नीचे आने से अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब क्या, उसको ऊपर ढकेलने का ट्राई करेगा। इसका मतलब ही मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया, नॉर्थ और साउथ क्या कर दे, उसी को रेपल कर दे ना। तो इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है उसको रेपल करके ऊपर भेजने का ट्राई कर रहा है। मतलब यहाँ पर इतना क्लियर है क्या कि आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट जब भी डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, एट दैट टाइम क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, ये मैग्नेट को अभी नीचे की जगह पर क्या कर रहा है, ऊपर लेके जाता फिर से। जब भी ऊपर लेके जा रहा तो अभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका सराउंडिंग का कम होगा, बिकॉज मैग्नेट जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो यहां पर क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से क्या होगा, यहां पर अगर करंट इंड्यूस होगा, लेकिन अभी मैग्नेट का डायरेक्शन बदल गया ना, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, अभी तो अभी एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर क्या होगा, ऐसा फ्लो होगा फिर अभी। मतलब क्या कि जब आपका मैग्नेट जो है ये अपवर्ड जा रहा है, एट दैट टाइम क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट जो है आपका वो क्या फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही फंडा याद रखना है। तो इससे हमें क्या पढ़ने के लिए मिल गया कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके ऊपर भी बेस्ट रहेगा कि आपका करंट किस डायरेक्शन में तैयार होगा। ठीक है, कि आपका जो करंट इंड्यूस होने वाला है वो डिपेंडेंट रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है या फिर जो फ्लक्स का चेंज है वो कौन से डायरेक्शन में। तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा। ये एप्लीकेशन से उनको इतना यही मैसेज देना था आगे, ये मैसेज बस याद रखो। इन शॉर्ट क्लियर है पक्का ये भी? ठीक है, तो क्या क्या देखा, फैराडेस लॉ देखा, स्नेल्स लॉ देखा, उसका एप्लीकेशन देखा। ठीक है, फिर से एक बार क्विक रिकैप ले लो। फैराडेस लॉ क्या बोलता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तभी क्या होगा, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये इन शॉर्ट मैग्नेटिक फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन है। उसका फॉर्मूला भी देखा था हमने, करेक्ट है। फॉर्मूला क्या होता है फैराडेस ईएमएफ का, कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फैराडेस लॉ का फॉर्मूला है, ये देखा था। देन नेक्स्ट क्या देखा था, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या देखा था कि इंड्यूस करंट क्या होता है, खुददार होता है, क्या करता है, जिसके वजह से क्रिएट होता है उसको इलास मार के भगा देता है, करेक्ट है। फिर देखा स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपको करंट का भी डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। ये क्लियर है इतना यहाँ पर? देन उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करना है एनर्जी कंजर्वेशन इन अ लेंस लॉ। कि जो लेंस लॉ जो बोल रहा है, लेंस लॉ के अंदर क्या देखा था कि वो क्या कर रहा है, जिसके वजह से क्रिएट हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, मुझे बताओ ये चीज अच्छी है या बुरी है? कि जो इंड्यूस करंट उसके कॉज को अपोज कर रहा है ना, ये चीज बेटर है या वर्स्ट है? उधर होना अच्छा है, वेरी गुड, फ्यूचर दिखाई दे रहा है अभी से। ठीक है ना, अभी यहां पर क्या होने वाला है, ये जो लेंस लॉ के अंदर ये प्रोसीजर हो रहा है जो अपोज कर रहा है ये एक्चुअली बेटर है। क्यों? अगर इमेजिन करते कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्नेल्स लॉ जो है वो झूठा है, कि हमारा इंड्यूस करंट जो है बहुत लॉयल है, ठीक है, बहुत रेयर है आजकल लेकिन है लॉयल। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस करंट यहाँ पर है ये क्या लॉयल है, मतलब क्या कर रहा है कि जिसके वजह से वो क्रिएट हुआ वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी ऐसा अज्यूम करते हैं, लेंस लॉ है ही नहीं, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो ये केस में क्या होगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगेन एक सर्किट है, ठीक है, और ये सर्किट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वो शो नहीं करते हम लोग, प्रेजेंट है ऐसा अज्यूम करो। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, आजू बाजू का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो अगेन वही फंडा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ झूठा ऐसा माना ना, कि अभी क्या हो रहा है, जो इंड्यूस करंट है ये इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसको और सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, करने की वजह से क्या होगा वो और चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर और ज्यादा चेंज हो गया
तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा ना। नहीं समझा क्या? देखो फैराडे क्या बोलता है कि ईएमएफ जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चेंज इन फ्लक्स, कि फ्लक्स जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा उतना ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा। करेक्ट है? तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान के चलो कि उसके सराउंडिंग का जो ईएमएफ है वो जो सराउंडिंग का फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और ये चेंज की वजह से अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो करंट क्रिएट हो रहा है 10 माइक्रो एम्पियर का इंड्यूस करंट क्रिएट हो रहा है। ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, अभी इसको अपोज करने की जगह पर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेंस लॉ का उल्टा अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, अपोज करने की जगह पर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने की वजह से क्या होगा, उसका सराउंडिंग का जो फ्लक्स है वो भी और ज्यादा चेंज होने लगेगा, और फ्लक्स और ज्यादा चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ भी बढ़ेगा। मतलब क्या होगा, मेरा इंड्यूस करंट अभी बढ़ेगा, लेट्स से 20 माइक्रो एम्पीयर हो गया। अगर ये करंट और बढ़ गया तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को और सपोर्ट करेगा और उसको और जल्दी चेंज करेगा, तो करंट और बढ़ेगा। मतलब अगर स्नेल्स लॉ एग्जिस्ट नहीं करता रहेगा तो क्या होगा, करंट जो है वो बढ़ते जाएगा इंड्यूस करंट, क्योंकि वो और सपोर्ट करेगा, फ्लक्स और जल्दी चेंज होगा, उसके वजह से करंट फिर, मतलब ये लूपहोल है कि करंट जो है बढ़ते जाएगा, और बढ़ते 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 क्या होगा, करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। करेक्ट है? लेकिन करंट इनफाइनाइट होना या फिर कोई भी एनर्जी इनफाइनाइट होना, ये तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है ना। 9-10 में क्या पढ़ाया गया कि दुनिया के अंदर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, कि पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो ना बड़ा है ना कम हुआ। अगर ये लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो करंट का एनर्जी तो इनफाइनाइट हो रहा है, और ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? तो दैट्स व्हाई लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ करेक्ट है, बिकॉज अगर लेंज लॉ एग्जिस्ट नहीं होता था तो मुझे करंट क्या मिलता था, इनफाइनाइट, जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कभी भी? नहीं। तो इसका जो अपोज करना है वो जायज है, ठीक है? तो वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, करेक्ट है? तो अपोज करना हमेशा बुरी बात होता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई जगह पर अपोज करना भी अच्छा होता है, हर जगह पर अगर सपोर्ट करोगे ठीक है तो 12th का रिजल्ट भी खराब आ सकता है, ठीक है? तो ना तो क्लियर है, इतना पार्टी है, ठीक है? तो ये रहेगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ, कि आपका जो लेंस लॉ है क्या प्रूफ करता है, इसका मतलब कि जो एनर्जी है वो आपका कंजर्व रहता है, ठीक है? वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा नहीं है।